बहुत बहुत स्वागत आप सभी का बाजार शास्त्र में। मैं हूं प्रियंका उप्पल आनंद जी। हाँ, बाजार शास्त्र एक ऐसा शो जिसे भरपूर रिस्पांस मिला व्यूवर्स का, बहुत सारा सहयोग, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा अच्छा पॉजिटिव फीडबैक उन लोगों से भी जो इस बाजार में नए थे, पैसा कमाना चाहते थे, और उन लोगों से भी जो बाजार में अपने आप को एक मंजा हुआ ट्रेडर मानते थे। लेकिन इस सुनहरे सफर ने बहुत सारी कड़ियां ऐसी व्यूवर्स के सामने पेश की जिनमें जिनके जरिए एक नई दिशा मिली बाजार को समझने की, बाजार में ट्रेडिंग करने की, और बाजार की उस मनोविज्ञान को समझने की जो सोच से भी परे थी। लेकिन अब एक नई ऊंचाई छूने के बाद बाजार शास्त्र अपने सभी व्यूवर्स को एक नया तोहफा भी देना चाहता है। जी हाँ, बाजार शास्त्र अब एक नए फेवर में, एक नए रंग में, एक नए अंदाज में आपके सामने आएगा 13 जुलाई से। जी हाँ, हम रूबरू होंगे अब अपने सभी व्यूवर्स से उनकी समस्याएं सुनने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। अब हमारे व्यूवर्स अपने पोर्टफोलियो पर राय भी मांग सकते हैं, अपने निवेश से जुड़ा हर विषय हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमारे गेस्ट सुनील मिंगलानी से इस पर राय भी जान सकते हैं। जी हाँ, तो इस शो को शुरू करने से पहले इस सुनहरे सफर में मेरा पूरा साथ दिया सुनील मिंगलानी ने, मेरे साथ आज भी बने। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका। व्यूवर्स को जैसे हम बता चुके हैं कि अब एक नए अंदाज में ये शो शुरू होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज व्यूवर को समझ आती है कि अब इतना कुछ सीखने के बाद मैं जो शेयर में इन्वेस्ट कर भी लेता हूँ, शेयर में निवेश कर भी लेता हूँ, तो क्या ये निवेश सही है, क्या ये निवेश सही नहीं है, ऐसे बहुत से सवाल बहुत सारे व्यूवर्स के मन में हैं। तो इस शो को शुरू करने से पहले कुछ छोटा सा मैसेज जो आप व्यूवर्स को देना चाह रहे हो। मैसेज एक ही देना चाहते हैं, हमने पिछले एक साल से करीब बहुत कुछ बताया है स्टॉक मार्केट के बारे में, कैसे काम करती है मार्केट, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। या फिर सुनील, एक काम करें, क्यों ना व्यूवर्स को हम एक रीकैप दिखाएं, एक रीकैप बताएं कि किस तरह से कौन कौन से इंपॉर्टेंट सीरीज, इस पूरी सीरीज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने छुआ। सबसे पहला मैं था, आपको सुनील याद है, हमने ये बात करी थी कि स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार एक गैम्बल नहीं है। यानी कई लोग जो कहते हैं यार आज शायद मेरा दिन अच्छा नहीं रहा कि मैं पैसे नहीं कमा पाया, शेयर बाजार में कोई अच्छा और बुरा दिन नहीं होता। नहीं, जैसे लाइफ होता है प्रियंका जी, लाइफ में भी कोई अच्छा दिन बुरा दिन नहीं है, पार्ट ऑफ द गेम है। आपने बहुत अच्छे एग्जांपल से प्रूफ किया था कि शकुनी, अगर हम महाभारत की यहाँ बात करें तो शकुनी जो जिसको जुआ ही माना जा रहा होता है, जिसमें माना जाता है कि किस्मत चल रही है, वहां भी किस्मत नहीं काम कर रही थी। बिल्कुल, दो प्लेयर थे वहां पे खेलने वाले, लेकिन उन दोनों प्लेयरों के अंदर जुआ सिर्फ एक प्लेयर खेल रहा था, वो था युधिष्ठिर। शकुनी एक्चुअली जुआ खेल ही नहीं रहा था। हमने बताया था ये कि शकुनी ट्रेंड था अपनी गेम में। ये लो भांजे, ये भी तुम्हारा। उसकी पूरी प्रैक्टिस थी, उसने अपनी पूरी जिंदगी लगाई थी उस खेल को सीखने में। सम्राट युधिष्ठिर तुम्हारा। क्या अब भी कुछ रह गया है भ्राता श्री? बोलिए सम्राट। सोचिए सम्राट, सोचिए। यानी वहाँ भी प्रैक्टिस चल रही थी, तो शेयर बाजार को जिसको जुआ मानते हैं लोग, वहाँ प्रैक्टिस क्यों नहीं चल सकती, सबसे बड़ी बात है ये। इनफैक्ट एक और चीज इसी में हमने डिस्कस की कि शेयर बाजार को जो गैम्बल कहते हैं, जुआ बोलते हैं, बोला जाता है कि शायद जुआरी, जो जुआरी होते हैं वो ही आप पैसा बना रहे होते हैं, लेकिन एक कंपैरिजन हमने जुआरी और चोर की भी की कि जुआरी के लिए नहीं, ये शायद कहा जाना चाहिए कि चोर की कला, इट्स आर्ट ऑफ अ थीफ। यहाँ पे वो जीतता है जो बिहेव चोर की तरह करता है। चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना, बिहेव नहीं कर रहा, उसका बिहेवियर जो है, उसकी आर्ट, उसकी कला चोर की कला है। और मैंने ये भी बोला था कि आप देखेंगे, आप जाइए हिस्ट्री में, जुआरियों से ज्यादा चोर कामयाब हैं। चोर कामयाब इसलिए है क्योंकि वो प्लान करता है। राइट, खाली बैट नहीं कर रहा है, वो अंदाजा नहीं लगा रहा है कि मैं जीत जाऊंगा, शायद मेरी किस्मत अच्छी होगी, भगवान मेरा साथ देगा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। लोग बड़े सेंटिमेंटल बातें करते हैं इस मार्केट में। आप देखिए, हमारे पास कई लोग आते हैं, कहते हैं सर हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, हमारा क्यों गलत होगा। अरे बताइए, आप मार्केट में काम कर रहे हैं, आपको स्टॉक के बारे में कुछ मालूम नहीं है,
आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आपको एक चोर की तरह स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपको सबसे पहले स्टॉक ढूंढना है, कहां दाव लगाना है, चोर की तरह। ये पूरी डिटेल में हमने बात की थी। कोशिश हमारी सिर्फ इसलिए ताकि व्यूवर्स, जिन लोगों ने हमारे, जिन व्यूवर्स ने हमारे पहले एपिसोड्स मिस कर दिए, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हें बार बार, एक बार नहीं शायद बार बार भी बता दिया जाए तो भी शायद कम है। क्योंकि एक और बात हमने सुनील यहीं पर की, चलिए व्यूवर्स का ये मिथ दूर हो कि ये गैम्बल नहीं है, इसे बिजनेस की तरह मानना चाहिए, क्योंकि कारोबार नहीं मानते, कायदे इसलिए नहीं लगा पाते क्योंकि कारोबार ही नहीं मानते। अब इस कारोबार को चुनने की भी बहुत सारी वजह हमने आगे गिनवाई। बिल्कुल, इस कारोबार में से सबसे पहले ये मानना जरूरी है कि एक ये कारोबार है जी। कारोबार जब हम ये मान लेते हैं कि एक ये बिजनेस है, और हर बिजनेस के कुछ रूल होते हैं, उस रूल को मानना होता है। लेकिन हमने यहाँ एक बात बताई थी पहले कि इस बिजनेस के कुछ ऐसे फायदे हैं जो किसी दूसरे बिजनेस में देखने को अमूमन नहीं मिलते, जो इस डायरेक्शन में कोई सोचता ही नहीं, कभी सोचता नहीं है। इस बिजनेस के अंदर कई ऐसे इनडायरेक्ट फायदे हैं जिसका, इसमें कोई उधार नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं है। आप किसी बिजनेस में जाइए, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, कोई उधार नहीं है इसके अंदर। पूरी ट्रांसपेरेंसी है इस बिजनेस में। रेट आपके सामने आ रहा है, चाहे एक शेयर लेने वाला हो, चाहे एक करोड़ शेयर लेने वाला हो, दोनों के सामने रेट आ रहा है। राइट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। कोई यहाँ डिस्काउंट नहीं है किसी के लिए, बल्क डिस्काउंट, कोई 100 शेयर खरीदो, 1000 शेयर खरीदो, एक ही रेट है सब, सबके लिए एक रेट है, कोई भेदभाव नहीं है इस मार्केट में किसी के लिए। एक ही टाइम पे खुलेगा, एक ही टाइम पे बंद होगा, किसी के लिए कोई बाद में अलग से विंडो नहीं है कि कोई वहां से आके ले ले। आप इसमें से एग्जिट हो सकते हैं किसी भी टाइम, किसी दूसरे बिजनेस में ये आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। यानी आप लाखों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतना बड़ा निवेश करते हैं, सालों लगाते हैं, अगर बिजनेस को वाइंड अप करना है तो भी आपकी मर्जी से वाइंड अप नहीं हो पाता। यहाँ पर आपको 15 मिनट में वाइंड ऑफ कर सकते हैं आप बिजनेस। आप रात को सोचेंगे, सुबह एग्जिट हो जाएंगे। एग्जिट कॉस्ट दूसरे किसी बिजनेस में आप जाएंगे कितनी ह्यूज होती है, यहाँ पर एग्जिट कॉस्ट नहीं है। जो रेट आ रहा है आप बेचिए, आपका माल गया, आपको एग्जिट कॉस्ट नहीं है। राइट, कोई एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंडिचर नहीं है, कोई गवर्नमेंट के एक्स्ट्रा लॉज नहीं है, कोई लेबर लॉज, फायर, कुछ नहीं है। आप बहुत सारे, हमने एग्जांपल, आपके एक्सपेंशन, आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। आप 5000 का माल लेते हैं, आपको ऐसा लगता है आपको ज्यादा लेना है, आपको अपने काम को बढ़ाना है। किसी दूसरे बिजनेस में जब आप अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ता है, आपको अपना एम्प्लॉई कॉस्ट बढ़ाना पड़ता है। यहाँ पर क्या है, उसी लैपटॉप, उसी कंप्यूटर के ऊपर बैठ के आप चाहे 5 लाख का काम कीजिए, चाहे 5 करोड़ का, चाहे 500 करोड़ का, आप कर सकते हैं वहीं पे बैठ के। आपको कोई एक्सपेंशन कॉस्ट देने का जरूरत नहीं, सिर्फ एक्चुअल अमाउंट ही ऐड होना है जो आपकी इन्वेस्टमेंट है। वो एक्चुअल अमाउंट तो हर बिजनेस में ऐड होना है, लेकिन हर बिजनेस में, दूसरे बिजनेस में बहुत एक्सपेंसिस आपको लेने पड़ते हैं ऐसे जो कि उसके साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ वो एक्सपेंसिस नहीं है। इस वक्त भी जब देख रहे होंगे, जो शायद एक बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो ये जरूर देख रहे होंगे कि बातें सुनने में कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन कभी सोचा नहीं इस तरह से, इस डायरेक्शन में कभी हम एक्चुअली सोचते इसलिए नहीं है कि हमने अपना एक सोच बना रखी, परसेप्शन बना रखा है कि ये चीज खराब है। आप स्टॉक मार्केट के बारे में किसी से भी बात करेंगे, चाहे कोई भी हो, बड़े बुजुर्ग हो, आप उनसे बात कीजिए, स्टॉक मार्केट से दूर रहना, यहाँ जुआ होता है, जुआ है। आप एक परसेप्शन बना के जब चल लेते हैं, बाप अपने बेटे को बोलता है, वो बेटा अपने बेटे को बोलता है, वो बेटा अपने बेटे को बोलता है, जनरेशंस बीत गई हैं और हम इस चीज से बाहर नहीं आ पा रहे हैं कि ये हमारी इकोनॉमी का हिस्सा है जी। हम इससे दूर नहीं हो सकते, बिल्कुल ये हमारे बीच में रहेगा और इसके बिना हमारी इकोनॉमी चल नहीं सकती। देखिए स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां हैं वो लोगों से पैसा उगाती हैं, काम करती हैं, नई नौकरियां पैदा करती हैं और हमारी पूरी इकोनॉमी के आगे जाने में हेल्प करती हैं। लेकिन अगर आप सोचिए, कोई कंपनी आज आए और उसके पास पैसा नहीं है, बैंक उसे थोड़ा बहुत फाइनेंस कर देता है, लेकिन अगर वो पैसा लोगों से ना उगा पाए तो वो एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, नौकरियां कम आएंगी, इकोनॉमी कम बढ़ेगी। ये जरूरत है हमारे इकोनॉमी के। जो लोग ये सोचते हैं स्टॉक मार्केट को बंद कर दो तो हमारी इकोनॉमी चल सकती है, उनको मैं बता दूं कि वो एक मिनट इकोनॉमी को रन नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट के बिना, क्योंकि पैसा कहां से आएगा, आखिर तो कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए ना, पैसा यहां से। लेकिन अब होता क्या है, जब एक बाजार है उसमें कई बार स्पेकुलेशन भी होती है, कई बार खराब चीजें भी होती हैं, कई बार अच्छी चीजें भी होती हैं। हमने एग्जांपल पहले भी दिया, एक बार आप सब्जी काटने वाले चाकू से खून भी कर सकते हो, खून करने के लिए तो नहीं बनाया था ना वो सब्जी काटने के लिए बनाया था। ऐसे स्टॉक मार्केट जो है एक काम करने की जगह है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ लोग जो है उसका गलत फायदा उठाते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, जुआ समझते हैं, सट्टा लगाते हैं,
उनको हम रोक नहीं सकते ना, रोकना चाहिए, अवेयर करने की कोशिश है। इनफैक्ट हमारी बाजार शास्त्र को ये कॉन्सेप्ट अपने व्यूअर्स के सामने लाने का वे यही था कि आपके दिमाग में जो मिथ्स हैं, जो डिसबिलीव्स हैं, जिन मिथ्स के साथ सालों से लोग जनरेशन पे जनरेशन एक ही बात फीड कर रहे हैं लोगों को कि शेयर बाजार एक जुआ है जहां पर पैसा नहीं कमाया जाता, गवाया जाता है, वो एक्चुअली स्ट्रैटेजिकली अगर प्लान करके काम किया जाए इट्स अ वेरी गुड बिजनेस। इनफैक्ट इसी पर चर्चा जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, सुनील से चर्चा और भी इतिहास के उन पन्नों को फिर से खोलेंगे जहां हमने और भी कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जो व्यूवर्स के लिए वाकई लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स थे। लेकिन फिर से व्यूवर्स को एक बार याद दिला दें कि बाजार शास्त्र एक नए अंदाज में, जी हाँ, आप सबके सामने आएगा जुलाई 13 से, जुलाई के सेकेंड वीक से आपके सामने आएगा बाजार शास्त्र, जहां हम अपने उन व्यूवर्स से बात करेंगे जिन्हें अपना पोर्टफोलियो बनाने में मदद चाहिए या फिर उनका पोर्टफोलियो बना हुआ है लेकिन अपने पोर्टफोलियो पर अपने शेयर्स को, अपनी इन्वेस्टमेंट को वो डिस्कस करना चाहते हैं। यानी कॉलर स्पेशल होगा हमारा बाजार शास्त्र की ये अगली कड़ी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र और मेरे साथ सुनील बने हुए हैं। सुनील, आज चर्चा हमारी उन टॉपिक्स को लेकर है जो बहुत पसंद किए गए और इसलिए पसंद किए गए क्योंकि उनसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेना देना है सारे ही मार्केट पार्टिसिपेंट्स का। एक और बहुत बड़ा कंसर्न सामने आया कि लोग कहते हैं चले ठीक है मैं ऐसे कारोबार मान लेता हूं लेकिन शेयर चूज करने के लिए मेरी रणनीति क्या होनी चाहिए, मुझे कोई एनालिसिस तो करना होगा, अब मैं एनालिसिस फंडामेंटल करूं या टेक्निकल करूं, यहां बहुत सब लोगों की सुई अटक जाती है। देखिए, सुई अटकने के लिए तो और भी बहुत जगहें हैं लेकिन यहां भी अटकती है। खैर, देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस हमने बताया था कि एक पूरी चीज के बारे में आपको ब्यौरा चाहिए हो उसका, आप एक कंपनी की हेल्थ जानना चाहते हैं, आपको ब्यौरा चाहिए उसकी एक एक बारीकी का, उसके लिए फंडामेंटल देखा जाता है। लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है, देखिए, इन्वेस्टर है जो 5 साल के 10 साल के लिए लगाना चाहता है, वो फंडामेंटल देख ले तो ठीक है, लेकिन उसमें भी हमारा कहना ये था कि टेक्निकल्स ग्राउंड पे उसको परखना बहुत जरूरी है क्योंकि टेक्निकल है क्या, भाव को पढ़ने की कला है। आप भाव को रीड कर रहे हैं, आज मुझे पैसा किससे आने वाला है, कंपनी की हेल्थ अच्छा होने से कि भाव ऊपर जाने से, भाव ऊपर जाने से ना, तो भाव अगर भाव बोल रहा है कि वो ऊपर नहीं जाना चाहता या अभी उसके ऊपर जाने में समय है तो हमको उस डिसीजन को रोक देना चाहिए कुछ समय के लिए, चाहे कंपनी की हेल्थ कैसी हो। फिर दोबारा रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं, बहुत बार लिया है हमने, कंपनी की हेल्थ ठीक है लेकिन देखिए वो 6 साल से परफॉर्म ही नहीं कर रहा था। हमको पैसा भाव से आने वाला है ना कि इस चीज से कि वो कंपनी कैसी है, उस कंपनी का ओनर कैसा है। ठीक है, वो डिसीजन लिए जाते हैं, अगर आपको 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो, 15 साल के लिए, मुझे पता है कि हाँ अगर इंडिया ठीक ठाक रहेगा तो रिलायंस ठीक चलेगा, मैं 15 साल के लिए लगाना चाहता हूँ, मैंने आज ले लिया। लेकिन अगर मुझे टेम्परेरी लगाना है 2 साल 1 साल 6 महीने तो मुझे भाव पढ़ना पड़ेगा। उस भाव को पढ़ने की जो कला है वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, बहुत सारे टूल्स यूज किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें यूज की जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पर हमारा व्यूज को बताने की कोशिश रणनीति सुनील बना ले अगर व्यूवर्स की, यानी फंडामेंटल, आप किसी कंपनी का शेयर जिसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसको फंडामेंटल के आधार पर चुने, अच्छे फंडामेंटल है कंपनी के एक्सपेंशन प्लान क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, फंडामेंटल आधार पर आपने शेयर चुना, लेकिन इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग के डिसीजन जो है उस पर टेक्निकल एनालिसिस पर ही होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैं अपना बता देता हूँ कि जिस तरह से हम काम करते हैं, स्टॉक को देखा, स्टॉक कैसा है, किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, क्या वो सेक्टर काम कर पा रहा है, क्या उस कंपनी की हेल्थ इतनी अच्छी है कि वो आने वाले 1-2 साल में रह सकती है। उसके बाद जब ये एनालिसिस पूरा हो गया उसके बाद हम आते हैं टेक्निकल्स पे, क्या भाव बोल रहा है। अगर भाव नहीं बोल रहा है तो कंपनी की हेल्थ कितनी भी अच्छी हो मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा उसमें, क्योंकि मुझको पैसा भाव के ऊपर जाने से आने वाला है। मुकेश अंबानी क्या कमा रहे हैं, मुझको उससे क्या लेना, मुकेश अंबानी थोड़ी मुझको देने आएगा। मुकेश अंबानी के पैसा बनने से मुझे पैसा नहीं बनेगा, मुझे पैसा बनेगा जब रिलायंस ऊपर जाएगा, तो रिलायंस ऊपर जब तक नहीं जाएगा मैं नहीं लूंगा उसको, चाहे कोई भी फंडामेंटल। यानी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपको फंडामेंटल एनालिसिस का जरूर रखना है लेकिन आप टेक्निकल एनालिसिस को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, आपको डे टू डे रेफर जो करना होगा वो टेक्निकल एनालिसिस का होगा।
पाना। यही बात हमने व्यूअर्स को बहुत बहुत इलैबोरेटेड मैनर में समझाने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी क्योंकि ज्ञान जो जो अच्छा ज्ञान होता है, जो सच बात सच्ची बातें हैं, वो कितनी बार भी कह लो अच्छी ही लगती है। तो कोशिश हमारी व्यूअर्स को समझाने की यही है कि जो उनके डिसबिलीव्स है, जो उनके मिथ्स हैं, जो गलत परसेप्शंस के साथ वो आज भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो टूटे। और बहुत सारे व्यूअर्स हमसे जुड़े हैं, अवेयर हुए हैं, एजुकेट हुए हैं, उनका उनका ट्रेडिंग करने का तरीका बदल गया। और अब यही कोशिश है सुनील कि व्यूअर्स के सामने एक ऐसा शो लाया जा सके जो उनकी डायरेक्ट मदद कर सके उनका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने में, उनको उनके उनकी इन्वेस्टमेंट पर, उनकी स्टॉक्स को लेकर, उनकी स्टॉक रिलेटेड हर परेशानी का समाधान दे सके। फिलहाल शो को यहीं समेटते हैं। सुनील बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, सारे कॉन्सेप्ट्स हमसे डिस्कस करने के लिए, व्यूअर्स को एक फिर से रिकैप देने के लिए। लेकिन अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, कुछ और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो आपसे हम पहले भी रूबरू हो चुके हैं, जिनके साथ लेकिन जरूरी आज भी है, क्योंकि आपके दिन का यानी आपके रोजाना ट्रेडिंग का, रोजाना इन्वेस्टमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। और इस बीच अगर आप कोई फीडबैक हमें देना चाहते हैं तो bazaarshastra@znetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है, इस पर हमें मेल करना ना भूले। और हमारे नए शो से जुड़ने का तरीका भी जल्द आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।